गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो जो प्रोडक्ट है वो है ये पैराशूट का कोकोनट क्रीम ऑयल। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है, पर इसको मैं दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं आज अपने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। अगर आप भी देखना चाहते हो कि ये कैसा काम करता है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। तो ये बड़ा क्यूट सा बॉटल है, ये छोटा बॉटल है, इसमें एक बड़ा बॉटल भी आता है। ये 60 ml का है, जो बड़ा बॉटल है वो 110 ml का आता है। ये छोटू बॉटल आपको मिलेगा ओनली 50 rupees में, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन ईज़िली अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो ये है प्री वॉश हेयर नरिशर, मतलब आपको इसको हेयर वॉश करने से पहले अप्लाई करना है। जो लोग ऑयलिंग करना भूल जाते हैं या कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसमें जो बातें मेंशन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, बालों को सिल्की करता है, स्मूथ करता है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, जो कि ये सच में बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी सिल्की है, तो ये सारी बातें इसमें मेंशन है। तो इस प्रोडक्ट में है कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी। तो अच्छी चीज़ों की अगर बात करें तो वही सारा कि स्मूथ करता है, सिल्की करता है, ये सारी बातें इसमें मेंशन है। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी है इसका। एक तो बॉटल ऐसा है ना कि आप डायरेक्ट अपने बालों पे इसको इधर से प्रेस करके आराम से लगा सकते हो, ज़्यादा झंझट नहीं है। और एक बात और, अगर आपके बाल काफ़ी लंबे हैं, घने हैं, तब ये उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। पर अगर आपके छोटे बाल हैं और आप एक बहुत अच्छी क्वांटिटी इसकी लगाते हो, तब ये काम अच्छा कर जाएगा। अब जैसे मैंने अपने बालों पे अप्लाई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ी, क्योंकि मेरे बालों में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लग जाती है। तब इसने जाके थोड़ा बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जिनके बाल छोटे हैं, पतले हैं, उन लोगों के लिए काम ठीक ठाक कर सकता है। इसका जो टेक्सचर है वो इसमें मेंशन है कि काफ़ी सिल्की है, तो सच में काफ़ी सिल्की है। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा और लाइट वेटेड है, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ आपने लगाया है। आप इसको आधे घंटे नहीं और भी देर लगा के रख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हार्श स्मेल है इसका, जैसे कि जो बॉयज़ के स्टाइलिंग जेल्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, वैसा ही सेम स्मेल है, बहुत ज़्यादा हार्श है। तो एक मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अगर इसके कंटेंट्स की बात करें तो कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल तो है ही, पर साथ में इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। मैं अलग से पिक इंसर्ट कर दूंगी, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, साथ ही साथ पैराबेंस भी है। तो पैराबेंस होना, तो पैराबेंस जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, पर इसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो होता क्या है, जब आप रेगुलर शायद आप इसको यूज़ करो तो आपको हेयर फॉल या और सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही बॉटल देख के, पैराशूट का है ये, देख के परचेस कर लिया, पर उस टाइम मैंने इसको पूरा रीड नहीं किया, नहीं तो मैं इसको कभी परचेस नहीं करती, क्योंकि इसमें इतने केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स हैं तो फिर मैं क्यों 50 rupees भी अपने बर्बाद करूँ। पर चलो अब ले लिया तो यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इसको जब पहली बार यूज़ किया तो जैसे इसमें लिखा है, डायरेक्शन दिए हुए हैं, वैसे ही यूज़ किया। अब अच्छा शैम्पू और कंडीशनर लगाओगे आप तो वैसे ही बाल आपके स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, पर इसने कुछ एक्स्ट्रा काम तो मेरे बालों पर बिल्कुल नहीं किया। फिर मुझे लगा शायद मेरे बालों पर क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उतने छोटे नहीं है ना, थोड़े से बड़े ही हैं, तो एक अच्छी क्वांटिटी चाहिए होगी, तब शायद अच्छा काम करेगा। तो मैंने सेकंड टाइम भी इसको ट्राई किया, पर मेरे बालों पे पता नहीं क्यों उतना अच्छा काम नहीं किया। तो मैं इस प्रोडक्ट से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसके फ्रेग्रेंस से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें ही पसंद हैं। पर फिर भी आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, अगर आपको केमिकल्स यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी इसको। तो ये थे इस प्रोडक्ट को लेके मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।